हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पेट कम करने के कुछ घरेलू नुस्खे। फ्रेंड्स, पेट की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेट की बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं तो फ्रेंड्स परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आप घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए और अपने पेट बढ़े हुए पेट की चर्बी को पिघलाइए। पेट में होने वाली सूजन न सिर्फ दिखने में बुरी लगती है बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकती है। पेट में होने वाली सूजन में आहार की अहम भूमिका होती है। कई बार ये लीवर और हड्डियों की बीमारियों के कारण भी बन सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं, कब्ज या गैस की समस्या होने के कारण पेट में होने वाली बीमारियां समस्या काफी दिनों तक बनी रही, तो आपको घरेलू नुस्खे जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। फ्रेंड्स, घरेलू नुस्खों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है। आप अगर घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने बढ़ी हुई पेट की चर्बी को पिघलाने में बहुत जल्दी कारगर साबित होंगे। कम से कम फाइबर और तरल पात का सेवन करने से कब्ज की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से सूजन हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए अपने आहार में फाइबर के जैसे दाल, हरी सब्जियों के बीज या हरी सब्जियां और फल आदि को शामिल करें। ये फाइबर आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही दिन में कम से कम 10 या 12 गिलास पानी जरूर पिए और व्यायाम करें। फ्रेंड्स, व्यायाम करने से आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी और आपका पेट भी हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, और पानी बिल्कुल जरूर पिए, पानी बिल्कुल ना छोड़े। फ्रेंड्स, खाने को अच्छे से पचाने के लिए जरूरी है कि चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। खाने को अच्छे से नाक चबाने से शरीर के अंदर हवा चली जाती है, जिससे पेट में सूजन की समस्या हो सकती है। इसीलिए अपने आहार को धीरे धीरे और अच्छे से चबा कर खाइए। इससे आप खाने को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे और आपको देर तक पेट के भारी होने का एहसास भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, बढ़ी हुई चर्बी को घटाने में आंवला भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवले का चूर्ण डालें। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से घोलिए, उसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर हींग। फ्रेंड्स, अगर नहर मुंह आप इसका सेवन करेंगे तो इसके सेवन से आपका पेट की चर्बी ऐसे पिघल जाएगी जैसे कि मक्खन पिघल जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके पेट में अगर गैस बनती है तो आपको उससे भी निजात मिलेगी। और आपकी पेट की बढ़ी हुई चर्बी है या कमर की बढ़ी हुई चर्बी है तो आपकी चर्बी को ऐसे पिघला देगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा। तुलसी भी हमारी पेट को कम करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। तुलसी के बीज 1 चमची लेके 1 गिलास गुनगुने पानी में तुलसी के बीज डाल के उसमें आधा नींबू निचोड़िए, चुटकी भर नमक डालिए। अब उसको अच्छी तरह से घोल के इसी तरह से पी जाइए। और अगर तुलसी के बीज आप पानी में डाल के नहीं पी सकते हैं तो आप उनकी ऐसे ही फंकी मार सकते हैं, आप ऐसे ही खा लीजिए। पानी में नमक और हींग जरूर डाल लीजिएगा, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। फ्रेंड्स, ये आपकी पेट की चर्बी को ऐसे पिघला देगा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आपका पेट बिल्कुल सामान्य रूप में आ जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।